फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे DRDO की नई मिसाइल के बारे में, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, 100 के ऊपर रेंज वाली है और साथ में लिक्विड फ्यूल रैमजेट मोटर को यूज करती है और इसी स्कीमिंग करने के साथ साथ काफी इंटेंस मनोवर्स भी परफॉर्म कर सकती है। तो ये एंटी शिप रोल में काफी खतरनाक हो सकती है, पर यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि ये एक्चुअल में मिसाइल नहीं है, ये एक सुपरसोनिक टारगेट है जिसको DRDO स्टार कहा जाता है। तो इसको बनाने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि एक एक्चुअल सुपरसोनिक टारगेट के अगेंस्ट में नेवी को ट्रेन करना है उनकी टैक्टिक्स में, साथ ही साथ उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की टेस्टिंग भी जो है वो ये मिसाइल कराएगी। तो ये उन हर मनोवर्स को मिमिक करने में सक्षम होगी और उन कैपेबिलिटी को मिमिक करने में सक्षम होगी जो आजकल की मॉडर्न एंटी शिप मिसाइल पजेस करती हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो नेवल शिप्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महंगे एसेट्स होते हैं, तो उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी तभी कारगर होगी अगर वो खुद अपने आप को बचाने में सक्षम होंगे। तो डिफेंसिव कैपेबिलिटी आप तभी बेहतर कर सकते हैं अगर आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें, जिसकी तैयारी जो है वो ये सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल जो है वो करवाएगी। तो ये अपनी तरह की पहली मिसाइल नहीं है दुनिया में। अमेरिका द्वारा GQM-163A कायोटी जो है वो यूज किए जाते हैं एज अ सुपरसोनिक टारगेट, जो अगेन रैमजेट पावर्ड मिसाइल है, लेकिन ये हमारी स्टार से थोड़ी डिफरेंट है। हमारी स्टार जो है वो लिक्विड फ्यूल्ड पावर्ड है और जो कायोटी है वो सॉलिड फ्यूल्ड पावर्ड है। तो इन मिसाइल में वो सारे फीचर होते हैं, वो सारी कैपेबिलिटी होती हैं जो कि एक्चुअल मिसाइल में होती हैं जो किसी शिप को टारगेट करने जा रही है। इसमें सी स्कीमिंग की कैपेबिलिटी हो गई, अपने एल्टीट्यूड को काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप करने की कैपेबिलिटी हो गई, फिर हाई स्पीड अटेन करके मनूवर्स परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी हो गई। ये सारी कैपेबिलिटी ये मिसाइल्स जो हैं वो पजेस करती हैं, लेकिन अंतर यहाँ पर यह होता है कि यहाँ कोई वॉरहेड नहीं है और जो टर्मिनल फेज में मिसाइल को गाइड करने के लिए रडार लगता है वो भी नहीं होता। इसकी जगह यहाँ पर एक GPS सिस्टम होता है जिसमें प्री डिफाइंड पाथ जो है वो एंटर किया जाता है और ये मिसाइल वो पाथ फॉलो करती है। यानी कि अगर ये टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट एंटी शिप मिसाइल है तो इनको मिसाइल भी बनाया जा सकता है। और इसका एक रिवर्स एग्जांपल जो है वो मौजूद है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम सब ने रशियन KH-31 मिसाइल के बारे में सुना है, जिसे AS-17 क्रिप्टॉन भी कहा जाता है। तो ये रशिया की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि एक मीडियम रेंज मिसाइल है और मैक्सिमम 110 किलोमीटर की रेंज जो है वो प्रोवाइड कर देती है। साथ में ये सुपरसोनिक स्पीड में भी फ्लाई करने में सक्षम है। तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे ARM कहा जाता है और ये हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों की सर्विस में है। तो ये मिसाइल 1980s से है और इसको 2002 के पहले से ज्वेजदा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया जा रहा है। तो स्टोरी ये है कि US नेवी को 90s में हाई स्पीड टारगेट्स की रिक्वायरमेंट थी अपने डिस्ट्रॉयर्स के जो एजिस कॉम्बैट सिस्टम है उनकी टेस्टिंग के लिए। तो उस समय जो रिक्वायरमेंट थी उसको स्लैट नाम दिया गया, यानी कि सुपरसोनिक लो एल्टीट्यूड टारगेट। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि जो टारगेट है वो सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ लोअर एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने वाला भी होना चाहिए, ताकि जो सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी है उसके अगेंस्ट में भी डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया जा सके। तो कई एग्जांपल्स आए US नेवी के सामने, पर US नेवी उनसे सेटिस्फाई नहीं हुई। तो उस समय मैकडोनल्ड डगलस ने, जो कि अब बोइंग है, एक काफ़ी बोल्ड मूव लिया और उन्होंने जो एक्चुअल पोटेंशियल टारगेट हो सकता था उसी को एक्वायर किया टेस्टिंग के लिए। यानी कि यहाँ पर KH-31 मिसाइल को डायरेक्टली रशियन कंपनी ज्वेजदा ऑस्ट्रेलिया से एक्वायर किया और उनका वॉरहेड रिमूव करके और जो मेन रडार है एक्विजिशन उसको रिमूव करके इसको सुपरसोनिक टारगेट में कन्वर्ट किया, जिसका नाम MA-31 रखा गया। तो KH-31 जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है और हायर सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई कर सकती है, सी स्कीमिंग कर सकती है, लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट मोटर को यूज़ करती है और अच्छे खासे मनवर्स परफॉर्म कर सकती है। तो जो एक्चुअल टारगेट हो सकता था उसी को US नेवी ने यूज़ किया टारगेट प्रैक्टिस के लिए। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन जो है वो नया नया टूटा था और जो रशियन मार्केट है वो काफ़ी ओपन था और बोइंग ने अच्छी खासी ग्रिप जो है वो रशियन मार्केट में जमा ली थी, क्योंकि वहाँ पर जो कैश क्रंच है वो चल रहा था। तो जो कुछ क्लासिक फोटोज दिखाई देती हैं जिसमें रशियन F-4 फैंटम 2 और F-16 द्वारा ये रशियन KH-31 मिसाइल्स कैरी करी जा रही है, ये एक्चुअली MA-31 है जो कि सुपरसोनिक टारगेट है प्रैक्टिस के लिए। तो बाद में जब रशिया और US के रिलेशन खराब हुए तो जितनी मिसाइल एक्चुअल में एक्वायर करी जानी थी वो नहीं हो पाई और इनके जो अपग्रेड आने वाले थे वो नहीं आ पाए, इसलिए US को मूव करना पड़ा GQM-163 कायोटी पर। तो अब हमने ये स्टोरी क्यों डिस्कस करी? तो जब हम DRDO स्टार की कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो DRDO स्टार एक दो स्टेज के मिसाइल है। पहली स्टेज जो है वो सॉलिड मोटर है जो कि मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर ले जाती है।
उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट मोटर की है जो कि सुपरसोनिक स्पीड में ही स्टार्ट होती है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 55 किलोमीटर से 175 किलोमीटर की है। रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो काफी लो है, 0.2 से 1.9 मीटर स्क्वायर का, और जो मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पर वो मैक 1.5 से 2.5 तक की है, और जो एल्टीट्यूड है वो 10 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक का है। तो इस मिसाइल को ग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है या फिर किसी शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी स्टेटस की बात करें तो इस मिसाइल का जो पहला फायरिंग टेस्ट है वो नहीं हुआ है, विंड टनल मॉडल इसके देखे गए हैं, यानी कि विंड टनल टेस्टिंग जो है वो अभी चल रही है। तो इस मिसाइल में वो सारी कैपेबिलिटी दी गई हैं जो किसी सुपरसोनिक अटैक मिसाइल में होनी चाहिए जो कि एंटी शिप रोल या फिर एंटी रेडिएशन रोल के लिए बनाई गई हो। यानी कि जैसे KS-31 को एक टारगेट में कन्वर्ट किया गया, वैसे ही इस टारगेट को एक एंटी रेडिएशन या फिर एंटी शिप मिसाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब आप इसे एंटी रेडिएशन या फिर एंटी शिप मिसाइल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली जो पेलोड है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको वॉरहेड लगाना पड़ेगा, उसके बाद टर्मिनल स्टेज गाइडेंस के लिए रडार लगाना पड़ेगा। तो पेलोड बढ़ने की वजह से जो मैक्सिमम रेंज है उसमें गिरावट आएगी और थोड़ी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर चेंज होगी। तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका कोई एंटी रेडिएशन या फिर एंटी शिप वर्जन आता है तो वहाँ पर आपको KS-31 के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर रेंज और परफॉर्मेंस नंबर मिल जाए, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये जो DRDO स्टार का प्रोग्राम है ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है और इसे हमें खाली एक सुपरसोनिक टारगेट की हैसियत से नहीं देखना चाहिए, इसके आगे बहुत पोटेंशियल है और इस पर थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें। तो यहाँ पर लिक्विड फ्यूल डक्टेड रैमजेट होने की वजह से जो थ्रस्ट है उसको थ्रॉटल किया जा सकता है, तो इसकी जो स्पीड है वो मेंटेन करी जा सकती है और कंट्रोल करी जा सकती है, साथ ही साथ मैनोवरेबिलिटी भी मेंटेन और कंट्रोल करी जा सकती है, जो कि इसे एक बड़ा एडवांटेज देती है उस मिसाइल पर जो कि प्योरली सॉलिड बूस्टर को यूज करते हैं, जैसे कि रुद्रम मिसाइल हो गई। तो रुद्रम एक ड्यूल पल्स सॉलिड मोटर वाली मिसाइल है जहां पर आप स्पीड उसकी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्रोग्राम कर सकते हैं बूस्टर कब चालू होगा, पर एक बार बूस्टर चालू हो जाए उसके बाद आपका कोई कंट्रोल उस पर नहीं रह जाता है। तो ये जो लिक्विड फ्यूल डक्टेड रैमजेट वाली मिसाइल है ये एक बड़ा एडवांटेज रखती है उन मिसाइलों पर। साथ ही साथ थ्रॉटल लेवल होने की वजह से अगर आप इसका वजन रुद्रम 2 के बराबर भी रखते हैं तब भी आप उससे ज़्यादा पेलोड यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, तो रुद्रम 1 के ऊपर यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज आपको मिल जाते हैं अगर आप इस मिसाइल को एक एंटी शिप मिसाइल में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एंटी शिप ऑपरेशंस के लिए आपको वॉरहेड जो है वो ज़्यादा चाहिए। तो इस मिसाइल का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है और इस प्रोग्राम पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।